क्या हाल है? चलोगे मंडी? नहीं यार, काम से जाने, दो तीन काम है। आज तो काम की अब छुट्टी हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू ब्लॉग में। तो भाई टाइम 12 बज रहे, हम जा रहे हैं मंडी। आप नहीं जा रहे हो, काम निपटाने हैं तो आप फिर जाओ काम निपटाओ अपने। नहीं नहीं आप जाओ अपने काम निपटाओ। तो फिर वकार को तो बुला लो, कॉल करो वकार को। तुम्हारा मोबाइल ही बहुत स्लो चलता है। बोलो, मुँह धो लिया तो भाई आ जाओ। ठीक हूँ, आपकी इजाज़त है, हम आपकी वीडियो बना सकते हैं। यार मैं चलता हूँ। वीडियो बनाने के लिए ना हमेशा याद रखो, पहले परमिशन लो। किससे? जिसकी बना रहे हो आप। परमिशन लो। चमाटे कराएंगे ना फिर? ऐसे भी खाते हैं। सलाम अलैकुम रहीम भाई। मंडी जा रहे हैं भाई। क्या इरादा है? इंशाल्लाह दुम्बे का, दुम्बे लेने दो। दुम्बे का स्पेशल चीज़ ला रहा हूँ। स्पेशल VIP, उसके जो है ना, इंशाल्लाह ताला पार्टी करेंगे ईद के दूसरे दिन, और उसकी जो चक्की होगी उसका बनाएंगे बारबेक्यू। काशी भाई क्या हाल है? सही है ना? क्योंकि सारे जो है ना, कोई गाय ला रहा है, कोई बकरियाँ ला रहा है, क्या ला रहा है, दुम्बा सही है। ये दुम्बा होगा जो स्पेशल होगा। स्पेशल तो देखें, फिर मुख्तलिफ चीज़ है यार, जानवरों के बीच में नज़र आ रही है। हाँ अच्छा है, दुम्बा अच्छा है। हम भी हर साल दुम्बा ही करते हैं। दुम्बा सही है, दुम्बा बहुत पसंदीदा चीज़ है, लोग पसंद करते हैं। वकार का इंतजार हो रहा है? वकार के साथ लेके जाओ जी। उनको एक्सपीरियंस है ना दुम्बो का? हाँ एक्सपीरियंस है। पहले तो उसके वालदैन, उसके पेरेंट्स नहीं अभी जा रहे हैं। हाँ वो तो जाता है यार, वो तो शौक है उसको, हर जगह बाहर जा ले आओ जाएगा। बकरा पीढ़ी है लेकिन जल्दी वापस लाना है उसको। बस 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 जाएंगे और वहाँ से लेने और आ जाएंगे। तो इतना टाइम बकरा पीढ़ी ले आ रही। ये हम अब जा रहे हैं मंडी की तरफ, और रश बहुत है, आज आखिरी दिन है ना। क्या बोल रहे, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मंडी कहाँ लगी हुई है? नीचे भाई मंडी लगी हुई है। तमाशा देखने तो आया तुम्हारा। इससे बचो, बस इससे बचो, तमाशा नहीं तो तुम्हारा निकल जाएगा। मंडी में भी रश है, ठीक ठाक रश है। बोल लो, ये तुमने कुछ नहीं बोलना, अगर तुमने से मेरा तमाशा देखा निकल गया। लास्ट सौदा बन जाएगा यहाँ। हाँ सौदा बनाने ही तो आया भाई। ये हमने कदम रख लिया भाई बकरा पीढ़ी की मंडी में। नसीब का सौदा है, तो नसीब में होगा। रश बहुत है, चक्की वाले मिल जाए तो अच्छा है। एक चक्की वाली ले लेंगे, एक सिंपल ले। हाँ एक चक्की वाले ले दे, सिंपल ले लेना। ले चक्की वाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक 5-10 रुपये अल्लाह के नाम से साहब। आपको लिए बदल भाई। हाँ दो चलो हाथ में आ गए। बोल रहे हैं आप, बोलो जाते जाते हैं। क्या लग रहा है? सही बोल रहे हैं, छोटे नहीं है, बहुत छोटे। इससे तो बाहर वाले सही थे। नहीं वो छोटे हैं भाई, वो छोटे हैं भाई। क्या नज़ारा है यार, ये मंडी लगी साथ में नहर चल रही।
नहर के नज़ारे चेक कराओ कार भाई। इतना मांग रहा था 40 दे देंगे। इधर बंद करते हैं मोबाइल, चलो देख के एक नज़र मारते हैं सही से, सौदा करते हैं उसके बाद। ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना यार, अभी हम और अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। पहले जो है ढूंढते अपने लिए तुम्बा, उसके बाद फिर आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे फिर हमारी नज़र सही देख नहीं रही ना, ध्यान ब्लॉगिंग पे है तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़े जानवर की मंडी का एक बंदा है जो तो सही बेचता है। क्या हुआ क्या बोल रहा है वो? ये जो जा रहा है अब क्या कर रहा है? वो बहुत छोटे लग रहे हैं यार, बहुत छोटे। कमर उनकी नहीं लेते हैं, कमर भी लेते हैं। मैं सही लग रहा है, चलो वो मांग रहे 80 65 में दो छोड़ दे, वो सही है। 60 क्या बोल रहे हैं? 50 बोलो आप, बात नहीं करना ना। नहीं आप करो, हम आप बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे ठीक है। आप और हम देखेंगे सीखेंगे, हम आए हुए सीखने के लिए सौदा कैसे होता है। सही है, एक ही उठाओ उससे, दोनों मतलब पत्थर उठा लेंगे ना, एक चीज उठाओ ना। नहीं नहीं दुम्बे उठाने, अगर वो तुम्हारी समझ में आ रहे, देखो तुम्हारी समझ में आ रहे ठीक है, नहीं तो बकरे दो उठा लेते, अगर समझ में आ रहा है वो इतनी सी। अगर बकरों का ध्यान बनता है तो बकरे ले जाए, तुम्हें वो तुम्हारी समझ में आ रहे हो? वो भी आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ बकरे ले जाए तो अच्छे हैं। बकरे देख लो, क्या बोलते हैं? बकरे जो है बीमार आदमी को खा सकते हैं, इसका बोझ होता है नमकीन के। बकरे देखो फिर, बकरे देखो इसका पूछो, तो मुंह खा रहे हैं यार। ऊपर से कमर देखेगा, कमर तो हमारा देख, पेट आके इतना निकला है, कमर कुछ नहीं पीछे। हाथ क्या मांग रहा है? देखो दोनों के हाथ में मामा बाबा। हाँ बोलो, देखते कुछ तो बोलो, पैंसठ में बुरे नहीं। क्या बोलते हो, सही मांग रहे हैं? नहीं कैंसर कमर नहीं है उनकी, काम है वो बताऊँ, जिनकी कमर उनको गंबे बोलते हैं, छोटे लेकिन चीज है। 70 में 3 ले सकते हैं, 70 में 1 लाख। ये कमर, ये चक्की वाले हैं ना, बड़ा भी चेक करो ना। छह महीने का हो गया होगा ना, ये नहीं, ये देखो दो दान छोटे हैं, ये सही लग रहा है। क्या है तुम समझ में आ रहा है? होती है नहीं फाइनल
फाइनली एक पीस का बिजनेस है ना, चारों का है एक पीस है, हमारे आधा चार ही लिखा एक पीस पर होगा बस। तुम बिल्कुल भी नहीं करो नहीं, इससे चार नहीं मैं ग्राहक को 45 बोलता हूँ, आपको पता है। अब तुम्हारे में क्या बोला, क्यों बोलते हैं ग्राहक 25-30 पे आएगा, 25 पे आएगा तो 30 पे हम लाएंगे, तो हम लोग डेढ़ का आर्डर, हम दिहाड़ी वाले बस आधार का हमारा जो आर्डर देते हैं डेढ़ हम उसी इससे एक और भाई कम करो मैं दिहाड़ी चलो आए उधर नहीं गए उधर। अब वहाँ से वापस आए रेट एकदम कम बता रहे, पहले तो ज़्यादा बता रहे थे। आपको पता है ना मंडी घूम रहे हैं, मंडी का बन रहा। अच्छा इधर नहीं चले इधर आगे 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 ये पहाड़ी बकरे वो दोनों क्या कितने 65 बोल रहा था। हाँ 60 बार 60 में शेयर रहा था 60 छोट एक 50 का दाना 2 लाख का हो गया। 2 लाख एक 30 का दाना देगा ये ले ले वो सही मैं नहीं लूँ तुमने मेरे मतलब के नहीं, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो चीज़ नहीं। ये तुम्हें जो वो वाले देखे वो समझ में नहीं आ रहा है। 60 बोल रहे मैं 50 बोले हो। अच्छा 50 तक के दे तो सही बात करो, बोले हैं ना 50 55 कर लो क्या हाल है। 55 में भी बुरे नहीं है यार, बढ़ा दो बोलो तुम कुछ कम करो बोलो बढ़ा देते ना तुम्हारी ना मेरी, तुम 60 बोल लो मैं 55 एकदम 5 ही बढ़ाऊंगा ना। हाँ हाँ एकदम नहीं बढ़ाओ, बोलो तुम कुछ कम करो कुछ हम बढ़ा देते। तो ऐसे होते सो दे 6:30 चले गए 90 बोले मैंने 70 बोले फिर मैंने बोला बाटा के देते हैं मैं पूछता हूँ कितने की बाटा। तो भाई फाइनली सौदा हो गया, लेने बम्बे आए थे लेकिन बकरों का हुआ ये दिन यार पैसे ज़्यादा हैं ज़्यादा जिन गिनो यार वकार में वकार जिन कितने, ये 2 बकरों का सौदा हो गया माशाल्लाह 70 है 60 और 15 सही है। बात सुन पैसे दे दोबारा गिन यार, जो पैसे हैं ना शाम को मेरे यार तो चेक करे ना सही है ना। हाँ सही है ये चौके होते हैं आप जाओ भाई पाए मुझे चाहिए पाए मिल जाएगी दो पाए आप जाओ ये लो ये आप अपने पास जेब में रखो नहीं आप रखो ना मेरे पास जगह नहीं है मेरे पास एक बार ये जाएगा ना आप जाओ मैं ऊपर बोलता हूँ वो आपको देंगे नोट फिर ये रिक्शा वाले को दे देना और किराया भी 1500 रुपये देना है ठीक है। तो वहीं से साथ निकल जाएंगे ना आप भी साथ साथ जाएंगे यहाँ से फंस जाओगे हम उधर जाएंगे वो गली में जाएंगे वहाँ थोड़ी जाएगा भाई गली में थोड़ी जाएगा नहीं तो रास्ते में साथ मिल जाएंगे ना वो स्पीड लगाएगा ना आपको हो सकता है मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँ वही ना आप बाइक पे यार आप पहुँच जाओ हाँ मैं तो बांधना का है वहीं नीचे फिलहाल बांधना ना केरल के साथ और वो हो सकता है मैं तुमसे पहले ही पहुंच जाऊँ अगर नहीं पहुंचा ना वो हमजा को ज़रा देखना मैं फ़ोन कर रहा हूँ हमजा को ठीक है ओके वकार भाई अल्लाह हाफिज़ मैं आ रहा हूँ फिर चले मुझे माशाल्लाह सही लगा पुराने व्यापारी हो ना यार ये ब्लॉग को एंड करते हैं मुनाफिकत ना करें मुखालफत करें डंगे की चोट पर अपना ख्याल रखिए अपने ज़्यादा अपनों का ख्याल रखिए हमें गाँव में लाजमी याद रखिएगा ज़िंदगी ने वफा करी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नजर आओ वीडियो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़।